त्योहारी सीजन में नकली खाद्य सामग्री को बाजार में बड़ी मात्रा में खपाया जाता है, जो कि आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए असली और नकली खाद्य सामग्री की पहचान कर पाना बहुत जरूरी होता है। पूरब टाइम्स ने दुर्ग के एक प्रतिष्ठित मिठाई व्यवसायी से बात की, जिन्होंने असली और नकली खाद्य सामग्री की जानकारी इस प्रकार दी। खाद्य सामग्री बनाने के लिए जो दूध का जो प्रोसेस होता है, और त्यौहार में एट ए टाइम दूध एकदम ज़्यादा जो बढ़ जाता है, वो तो एक तो दूध की प्रॉब्लम होती है, लोग पाउडर दूध यूज़ करते हैं, और इसको पहचानने का एक खुशबू आती है जिसमें एकदम मतलब अगर थोड़ा सा अलग टाइप की स्मेल आए, वो नकली खोआ टाइप का मान सकते हो आप, और उसमें अगर फ्लेवर कम आता हो, मिल्क का टेस्ट ज़्यादा होता हो, तो वो ओरिजिनल माना जाता है। लेकिन इनसे आप बच नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत अपने को देख रेख पता करके ही लेना पड़ेगा माल को। दूसरी चीज़ होती है पनीर। पनीर में क्या होता है, भुरभुरापन हो जाता है, इस कारण से वो उसको आप समझ सकते हो कि उसमें मज़ेदार पनीर नहीं हो, नकली पनीर बोल सकते हो, सोयाबीन पनीर बोल सकते हो। अगर जो पनीर ठोस रहेगा, गर्म पानी में डालने से वापस सॉफ्ट हो जाएगा, वो उसकी पहचान है, एकदम ओरिजिनल पनीर है। तीसरा होता है खोआ, मामूली खोआ जो बोलते हैं, जो अपन गुजिया बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि क्या नाम है, मिठाई में भी यूज़ कर सकते हैं, चूरमा बर्फी में यूज़ कर सकते हैं। वो खोआ दो प्रकार के होते हैं, एक गाय दूध का, एक भैंस दूध का। गाय दूध का जो रहता है हल्का पीलापन रहता है, और भैंस दूध का रहेगा जो वाइटपन। ये खोआ में अगर आप दबाओगे, अगर अच्छा खोआ होगा, तो हाथ में घी आएगा, घी की वजह से आप पहचान सकते हो कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस चीज़ स्तर की क्वालिटी। दूध में हम लोगों को तो क्या होता है, हम फैट के हिसाब से चलते हैं साहब, फैट में कम से कम 6% का फैट होना चाहिए, तब दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आजकल बाज़ार में 2% 3% का फैट आता है, इसमें ये मान के चलो पानी मिला हुआ हो, पाउडर मिला हुआ हो, इसके कारण कोई पहचान नहीं पाता। पहचानने का एक ही तरीका है, उसको घर में अगर उसको उठाया जाए, 1 किलो में कम से कम 220 ग्राम खोआ आना चाहिए, ये दूध की पहचान है।